लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लिली, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे 545281 पे कांटेक्ट कर लेना। यह हमारा पहला चांस है, हम प्रोड्यूसर साहब को ऐसी तुने सुनाएंगे कि वो हर पिक्चर में हमें म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। अरे तुम घबराओ मत गुरु, अपू ने तुम्हारे साथ तो कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनिएगा? कुछ भी, लव सॉन्ग। देखिए पाजी, ऐसे कैसे सुनाएं हम कुछ भी, हमें मालूम होना चाहिए कि कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है। अच्छी बात है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और लड़की के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। वाह साहब वाह, आपकी पिक्चर सुपर हिट, क्या धासु स्टोरी बनाई है, पर्दे फट जाएंगे, लाठियां चल जाएंगी। और चुप रह, लूटे पट्टे, इस कहानी में कौन सी कमाल की बात है, हा? मामूली कहानी है, यही तो होता है दूसरी फिल्म में। ये पूरी कहानी नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शादी की पहली रात को ही हीरोइन जहर खा लेती है। आपका मतलब हीरोइन पहली रील में मर जाती है? नहीं, पचा ली जाती है, क्योंकि उसका पति डॉक्टर है। जहर खाने की वजह पूछने पर हीरोइन सच सच बता देती है कि उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और वो किसी और से प्यार करती है। वाह जी वाह, क्या हिम्मत है लड़की की। उसका पति हीरोइन को वचन देता है कि जैसे भी हो सके वो उसके प्रेमी को ढूंढ कर वापस लाएगा और उन दोनों को फिर से मिला दिया। वाह कमाल है, वो पति इंसान नहीं देवता है। लेकिन इस डॉक्टर पति की भी एक समस्या है, उसकी मां बहुत बीमार है, आखिरी सांसें गिन रही है, इसलिए वो हीरोइन से ये दरख्वास्त करता है कि मेरी मरती मां की तसल्ली के लिए 6-7 दिन इस घर की बहू होने का नाटक कर ले। एक तरफ मां है जो सिर्फ 6-7 दिन की मेहमान है और दूसरी तरफ पत्नी जो अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन है। उन दोनों के बीच में वो पति, उस पर क्या गुजर रही होगी। तो फिर क्या होता है? अभी पूरी कहानी तय नहीं हुई है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मैं आपको सुनाता जाऊंगा। आपने तो हमें बेकरार करके छोड़ दिया, कब तक पूरी होगी आपकी आगे की कहानी? जल्दी ही हो जाएगी, तब तक आप एक प्रेम गीत तैयार कीजिए, शुरू में हीरो हीरोइन जब मिलते हैं। इतनी गंभीर कहानी, इतने दर्दनाक मोड़, और आप कहते हैं हम एक लव सॉन्ग तैयार करें। ठीक है, जरा ग्लूकोज का इंतजाम करें जल्दी। डॉक्टर सक्सेना को फोन करना, फौरन यहाँ आए, और ऑक्सीजन का भी इंतजाम करना। अभी ले। खुद डॉक्टर मिस्टर आनंद, इस वक्त मरीज की जो हालत है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर दिया गया है उसका असर कुछ घंटे रहता है,
मरीज के जागने के बाद उसकी हालत क्या होगी ये कहना मुश्किल है। एनीवे लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और अगर हो सके तो आप अपने आप को इस माहौल से निकालिए। गुरु प्रोड्यूसर साहब। पाजी आपने तो हमें सस्पेंस में मार दिया। आधी कहानी सुना के आप तो चले गए और अब हम यहां परेशान है कि आगे क्या होगा। वैसे हमें आपके मामले में दखल देना नहीं चाहिए लेकिन हमें लगता है कि जब तक मां मरेगी नहीं ना तो आपकी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। जब मां मरेगी तभी आएगी असल परीक्षा की घड़ी डॉक्टर के लिए। मैं गणेश ही बोल रहा हूँ साहब। माजी का स्वर्गवास हो गया है अभी 5 मिनट पहले। आप ही का इंतजार हो रहा है साहब। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। आपने हमें बताया नहीं पाजी कि मां मरी कि नहीं मरी। बताइए ना पाजी। हमारी राय में तो मर जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? गुजर गई जी। हाँ मर गई। यह बात हुई ना पाजी। अब मजा आएगा कहानी का लेकिन यहां आप गाना मत डालिएगा। हर कोई ओ मां करके गाना डाल देते हैं लेकिन हम इस सिचुएशन में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे कि हर किसी की आंखें भर आएगी। आप सुनो मैं सुनाता हूं। चल छोटू उठा ढोलकी और देखिए बड़ी दुख भरी ट्यून है। अगर हंसा तो हम तुम्हारा सर तोड़ देंगे। समझा? ठीक है। दौड़ मत सरबान के बजा। नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाने नाने ने 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 ना 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 ने ने रे ने ना ना रे ने रे ने ना 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 ने ने रे ने ना। गुरु गुरु अपना प्रोड्यूसर साहब रो रहे लाए। ये तो हमारी तुन का असर है। अब तो हमने सिर्फ हारमोनियम बजाया। जब 50 साजिंदों के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा ना तब देखना हाल में एक एक आदमी रो रहा होगा। चल Thank you.
प्रेम प्रताप पटियाले वाले म्यूजिक डायरेक्टर। हेलो मिस्टर प्रेम। ओह नमस्ते पाजी, हम तो सुबह से आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो आप ऐसा कीजिए, आप इसी वक्त टैक्सी पकड़ के मेरे घर फौरन आ जाइए। पता है सावित्री विला, 10th रोड, जुहू पार्ला स्कीम। हम अभी आते पाजी, लेकिन इतना तो बता दीजिए क्या फैसला किया आपने क्लाइमैक्स का? मिस्टर प्रेम मैं क्लाइमैक्स का फैसला आपकी राय से करना चाहता हूँ, इसलिए आप फौरन यहाँ आ जाइए। पापा ये क्लाइमैक्स क्या होता है? दो जिस्मों को अलग करना और दो दिलों को मिलाना।